तो दोस्तों अब आपको मुंबई के हर एक बड़े रेलवे स्टेशन में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस देखने मिल जाएंगे और ये इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को प्रमोट करने के लिए सब किया जा रहा है। वैसे आपको बता दें कि अब ये जो प्रोग्राम है तो इसे कोलैबोरेशन में किया जाएगा विद UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम और साथ ही में टाटा पावर्स के साथ मिलकर। वैसे आपको बता दें कि टाटा पावर ने तो ऑलरेडी 300 से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस को ऑलरेडी इंस्टॉल भी कर दिया है इंडिया की 40 शहरों में। अब यहाँ पर रेलवे का कहना है कि ये सभी जो चार्जिंग पॉइंट्स है तो वो अवेलेबल होंगे रेलवे के हर उन इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन में इन आइलैंड सिटी, सबर्ब्स और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के एरिया में। इंडिया के भीतर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का क्रेज देखे तो वो भी काफी ज्यादा बढ़ चुका है। पिछले साल के डेटा को अगर हम निकाल कर देखे तो पिछले साल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन हुआ था जस्ट 46, लेकिन इस साल इट्स अ मैसिव 672, तो यहाँ पर 1360% का इंक्रीज देखने मिला है कंपेयर टू पास्ट ईयर। और आने वाले समय में ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि ये और काफी तेजी से बढ़ने वाला है और इसके लिए हमें एक बेटर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड करना आज के समय की मांग है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से ऐसे रेलवे स्टेशन है जहाँ पर फर्स्ट फेज के दौरान यहाँ पर चार्जिंग स्टेशन को इंस्टॉल किया जाएगा। तो सबसे पहले है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, देन थाने, दादर, परेल और भाईखल्ला। फिर उसके अगले चरण में सेकेंड फेज में कुर्ला LTT, भांडुप, पनवेल और कुर्ला में ये सभी चार्जिंग स्टेशन को इंस्टॉल किए जाएंगे। वैसे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस में टाटा पावर और UNEP इन दोनों ने पार्टनरशिप करके ऑलरेडी यहाँ पर EV चार्जिंग स्टेशन को इंस्टॉल कर दिया है और सेंट्रल रेलवे भी यहाँ पर काफी ज्यादा प्राउड महसूस कर रही है। उनका कहना है कि अगर हम सभी मेजर स्टेशन में इस तरह के चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड कर दे तो और तेजी से इलेक्ट्रिक व्हीकल का इकोसिस्टम ग्रो होगा। अब बात करते हैं फैक्ट की। क्या आपको पता है कि इंडिया का जो टोटल एनर्जी कंजम्पशन है तो अकेले 18% ट्रांसपोर्ट सेक्टर ही कंज्यूम कर लेता है। वैसे ये तो कुछ नहीं, लेकिन एक और बात क्या आप जानते हो, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सभी वेज जैसे कि एयरवेज, रोडवेज, रेलवेज, ये सभी मोड्स 142 मिलियन टन ऑफ कार्बन एमिशन करते हैं हर साल और इसमें से अकेले रोड ट्रांसपोर्ट ही 123 मिलियन टन कंट्रीब्यूट करता है। और ऐसे समय में अल्टरनेटिव फ्यूल्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही ऐसे उपाय निकल के आते हैं जो कि इस गंभीर समस्या का अल्टरनेटिव है। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना चाहिए और जो भी अल्टरनेटिव फ्यूल्स है जैसे कि इथेनॉल, BioCNG, हाइड्रोजन, इन तरह के फ्यूल्स को प्रोवाइड करने के लिए एक बेहतरीन सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना होगा ताकि ग्रीन और क्लीन मोबिलिटी को बढ़ावा मिल सके एंड देन ओनली हम ये मैसिव 142 मिलियन टन ऑफ कार्बन एमिशन को कट कर सकते हैं।